व्हाट्स अप? ये बात आपको मैं मिल गया फाइनली। मैं आपके 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 फॉलोअर्स इतने सारे हैं कि उनमें से हम एक है, तो आपको दिखे नहीं होंगे ना हम। मेरे फॉलोअर्स के तेरे फॉलोअर्स? आपके आपके यार, आप यूर द मैन, यूर द मैन। नहीं नहीं अभी यूपा, वो तो आप मुझे आपसे एक आप एक कुछ भी सवाल पूछो मुझसे, मुझे एक सवाल पूछो। पहला एक सवाल ये है कि आप मुझे ये बताओ कि पहली बात तो हमने कब आपका मजाक उड़ाया, सेकंड चीज कि जो आप ये पूछ रहे हो, मैंने लोगों से देखा है आप ये सवाल पूछ रहे हो कि आजकल के यंग लड़के देखो हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको इतना बुरा लग गया है, हमने ऐसा क्या खराब काम कर दिया। आजकल के यंग लड़के का मतलब है जनरली लड़के। तू तो बहुत यंग है, पर जो अच्छे बढ़िया लड़के हैं तभी तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनमें से एक तू है, तो तू पहले लड़का इससे बात करो, बाकी सब तो उनके लेवल पे नहीं आ सकता मैं, बिकॉज वो बातें ऐसी करते हैं तेरे टीममेट, ये बंदा उसे रिलेट ही नहीं कर सकता, तो इस करके मैं तेरे से बात कर रहा हूँ अभी। तू मुझे चल, अब तू मुझे यंग यंग लड़के कह रहा है, अब तू मुझे ये बता कि तेरे अलावा और किस यंग लड़के से बात करनी चाहिए। देखिए ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है ना, अब आपका इक्वेशन किनसे अच्छा है अब वो मुझे क्या पता, मैं यहाँ एकदम सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं सबको रिस्पेक्ट दूं। बिल्कुल देखो देनी भी चाहिए, बिकॉज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पर मुझे एक नाम तो मेंशन कर कोई यंग लड़के जिससे मैं बात करूं, तेरे को लगता है कि मैं उससे बात कर सकता हूं? तो आपको बहुत सारे लड़के आपने तो आपको मैं ये चलो यंग लड़के तो छोड़ो, एक नाम तो दे दे। अच्छा आप शुभमन गिल से बात कर लो, आपका फेवरेट है ना, मेरे को तो ऐसा सुना है मैंने। शुभमन गिल अभी टीम में आया है। शुभमन गिल मैं वो कह रहा हूँ जो लड़के 3-4 साल खेल चुके हैं उनमें से बता कोई। यूपा मैं आपको बोलो सबसे एंटरटेनिंग आपको मजा आएगा, आप हार्दिक से बात करें। मुझे पता था तू ये बात जरूर करेगा, इस पे तुझे मैं सवाल करूंगा, कोई बात नहीं टेंशन मत ले। यूपा आपकी हेयर स्टाइल आजकल बहुत फेमस थी, आपने इसके लिए टोपी पहन ली? बिल्कुल, इससे पहले जो तू मेरे बालों का मजाक उड़ाया मैंने पहली टोपी डाल के आ गया। बालों का मजाक क्या यूपा यार, आपको पता है आपको मैंने कितना, ये मेरा रिपीटेडली फेमस लाइन जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, क्या आप को मैंने पहली बार जब मैं एक बार बॉल खरीदने गया था मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखा था। ये उसके बता बाद स्टोरी सबको तू अब ना जो तू उसके, मुझे बता उसके बाद आज आप मेरे फोन में आ गए हो, सोचो तो मेरी तरक्की आप देख रहे हो कितनी हो गई है कि मतलब दूरदर्शन में देखा था मैंने आपको, 14 साल बड़े हो ना आप मेरे से, तो पता नहीं मैं कितने साल का होगा। टेक्निकली बहुत छोटा था, तो जब मैंने आपको देखा और अभी आज देखो, आज आप मेरे से बात करो तो मतलब मेरी तरक्की देख रहे हो आप कैसी हुई है। बिल्कुल सच ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू बड़ी। तो कैसा लगता है आपको कि आप मतलब ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हो और ऐसे यंगस्टर्स के साथ आप खेल रहे भी खेले हमारे साथ, हम लंबा करियर रहा, तो आपको कैसा, आपको हाउ डू यू फील आफ्टर एवरीथिंग इज ओवर नाउ? वो जैसे ही मेरा करियर एंड पे था और मैं तुम लोगों के साथ खेला तो मुझे लग रहा था कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, पर मैंने रिटायरमेंट लेने का पता है निर्णय कब लिया, जब मैं पंजाब के लिए आईपीएल खेल रहा था, लास्ट ईयर मुंबई के साथ खेला, उससे पहले पंजाब के लिए खेला, और जब एंड्रू टाय ने मुझे यूवी पा बुलाना शुरू कर दिया, एक ऑस्ट्रेलियन जब मुझे यूवी पा बोलने लग गया तो मुझे लगा वही खेल अब वक्त आ गया जाने का। पर यूवी पा अगर टेक्निकली देखा जाए तो 14 साल तो मतलब मेरे को यूवी पा मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे और भी इससे बड़ा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज अंकल पर अंकल तो मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज यू आर स्टिल रिलेटिवली यंग, तो मैं एक फाइन बैलेंस मतलब सोच रहा हूँ कि मैं क्या लेके आऊं। मैं पापा की तेरी पापा की उम्र का भी हो सकता था, ध्यान से बोलना। नहीं इतने यंग नहीं थे मेरे। इतनी जल्दी शादी नहीं की मम्मी ने मेरी। कोई नहीं तेरे से पूछूंगा अभी मैं खतरा सा, मुझे ये बता तू ये क्वारंटाइन टाइम में क्या कर रहा है अभी? मेरे को तो मैं वैसे ही बहुत सुस्त आदमी हूँ, मुझे ज्यादा ऐसे मैं वैसे ही लॉकडाउन वाला मतलब कॉम्पिटिशन में वही जो हम कर रहे हैं होता हूँ, मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ कभी कभी, वो पार्ट टाइम मैं कभी कभी माली बना हुआ हूँ, मैं झाड़ू पोछा करता हूँ, पर मैंने नई स्किल सीखी है, नई स्किल ये है कि मैंने ये देखा है
कि झाड़ू मारते हुए आगे जाना होता है और पोछा मारते हुए पीछे आना होता है, ये मैंने पता कर लिया है। वाह, झाड़ू मारते हुए आगे, पोछा मारते हुए पीछे, वाह दैट्स गुड मैन। आप देखो क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है मेरी, बस यही। और मैं दोस्तों से बात करता हूँ, थोड़ा प्लेस्टेशन खेलता हूँ, और जिम है तो वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। काफी टाइम हो गया अभी बॉलिंग नहीं किया, बट ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव, मतलब अच्छा ब्रेक मिला है। अभी आगे पता नहीं ब्रेक मिलेगा कि नहीं, ऐसा तो अभी मेक द मोस्ट ऑफ इट। और मैंने तेरे से ये भी पूछना है कि तूने जब शुरू शुरू कैसे क्रिकेट खेलना, सबको बता के हाउ डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ डिड यू स्टार्ट बॉलिंग फास्ट। वो तो जैसे ही कोई भी एज नॉर्मल कोई यंगस्टर होता है, टीवी पे क्रिकेट देखते थे, आप लोग को देखते थे, बट हमको अच्छा नहीं लगता था कि मतलब बैट्समैन ऐसे छक्के मार, पता नहीं ये क्यों है रीजन, वो नहीं पता, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मतलब छक्के मार रहे। मुझे मजा आता था जब कोई बॉलर तेज डाल रहा है, कोई डाल, बट मैं ये एनकरेज नहीं करता। बट मजा रेप्लीकेट करने कोशिश करते थे टेनिस बॉल में, और वैसे अच्छा लग गया स्पोर्ट तो चालू कर दिया। अच्छा, तो मतलब बॉलर बैट्समैन को डराना, बैट्समैन को गाली देना, बैट्समैन के बाउंसर मारना, तो मतलब जब हमने तेरे को ये चीजें बोली करने को, तब तूने ये क्यों नहीं कही कि यार जिससे थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव दिखा, मार इसके बाउंसर, नहीं आगे चुपचाप आराम से। देखो टेक्निकली यू आर नेवर हैप्पी, आपने मेरे को हर बार, मैं बोला यार आज तो मैंने अच्छी बॉलिंग की, यूपा क्या लगता है, तो फिर भी तू ना ये नहीं करता है। मैं अगर ये तो मेरे को पता है कि मेरे को फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक, आपका बेस्ट इंटेंशन ही है, पर मुझे लगता है कुछ लोगों को आप जीत नहीं सकते हो, तो मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपके स्टैंडर्ड पे पहुंचे, बट अब क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है आपने आपने सबसे पहले, मैं जब 2012 में मैंने आपको सबसे पहली बार देखा था एनसीए में, आप अपने वो बीमारी के बाद पहली बार बैटिंग करने आ रहे थे, तो हमने ऐसे, हमने तो आपको सिर्फ टीवी पे देखा था, तो उसके बाद पहली बार देखा ऐसे युवराज सिंह ऐसे आ रहे, तो हमने फोटो भी खींचा, वो फोटो आपको पता है। उसके बाद अब आप पहली बार इतने टाइम बाद, तो आपने, यंग लड़का मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको बॉल डालूंगा, आपने मेरे को बोला तो चल तू तो बाजू में जा तेरे को नहीं। तो उस दिन जो आपने यंग लड़के का दिल तोड़ा, वो क्या क्या मतलब, आप सोचो कैसे वो यंगस्टर ऐसे सोचता हो कि जिस बंदे को मैं टीवी पे देखता हूँ वो बंदे ने बनाया टीवी पे, कलर टीवी पे, शुरू तो ब्लैक एंड व्हाइट से हुआ था ना, वो मेरा नहीं था, वो तो कोई दुकान वाले का था। अब मैं बताऊं कि वो इंसिडेंट क्या हुआ था, तो जसप्रीत बुमराह मुझे बॉलिंग डाल रहे थे और ऐसे हाथ एक इधर से पहले ही अपने एक्शन से डरा दिया मुझे, और जो भी बॉल डाला वो या तो मेरी बक्खी की तरफ, बक्खी मतलब आपने डालने ही नहीं दिया ना, पहले आपने तो डालने ही, स्टोरी बताने दे, एक बॉल बक्खी की तरफ और एक बॉल कान की तरफ, तो मैंने कहा ये कौन सा लड़का है भी ये बड़ी तेज बॉलिंग डाल रहा है, और मैं कैंसर से वापस आया हूँ, मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा, तो मैंने इस करके बोला भाई जरा रुक जा थोड़ी देर, तेरी बॉलिंग मुझे समझ नहीं आ रही। तब से 2012 से मैं 2019 तक तेरे साथ खेला हूँ, सात साल में तूने मुझे नेट में जीने नहीं दिया, या तो यॉर्कर मार के तू बैट तोड़ देता है या बाउंसर मार के तू सर तोड़ देता है, तेरे को कितनी बार ही मना किया प्लीज और तुम के बाहर डाल, यार प्लीज बीच बीच में आपका पॉज हो जाता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है कि नहीं अच्छा? मैं गुड़गांव में हूँ ना, हमारा गुजरात में नहीं हूँ, हमारा कनेक्शन थोड़ा हल्का है। बट यूपा वो तो प्लान के ऊपर होता है ना, आप ऐसे अच्छा वाला प्लान लो तो गुड़गांव में भी अच्छा नहीं होता है? नहीं, अच्छा वाला प्लान है मेरे पास, बट आजकल मैं तो आईपीएल खेलता नहीं हूँ, अब मुझे तो अपने खर्चे संभाल के करने हुए ना, अब मेरे को कई तरह 12-15 करोड़ में तो मिलते नहीं आईपीएल के। चेक करो
कितने मिल रहे हैं मुझे, आप आपके फिगर्स थोड़े गलत है, आप चेक करिए। पयुपा आप ये तो चलो आप ऐसे, आप पहले बैट्समैन हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको बॉलिंग करता हूँ और आप मुझे ही गाली देते हो। मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैं आपके लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। यस यू आर बट आप मुझे गाली, मतलब अगर आपकी कभी रिब भी टूट सकती है, आपकी कभी गर्दन पे भी बॉल लग सकता है, तो तू मुझे उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा, थैंक्स यार। आप टेक्निकली सोचो, आपको आज तक लगा बॉल मेरे को लगा बॉल ऑस्ट्रेलिया में, लगा ना मेरी बखी में युवा, पर वो तो मैं पहली बार टीम में आया हूं तो मैं ऐसे दिखाना तो चाहूंगा ना कि यार मैं अच्छा बॉलर हूं, और अगर मैं आपको अच्छी बॉलिंग करूंगा तो फिर तो टीम में तू आया, इंडियन टीम में तू अच्छा ही बॉलर हो गया, खराब बॉलर तो आज तक इंडियन टीम में कभी नहीं आया कोई, तो हमें तो पता है, पर तो दूसरों के सर पे मारना, हमारे सर पे क्यों मार रहा है। बट एनीवेज, शुरू में आके तूने ऑब्वियसली यू आर यंग किड, यू वांट टू बॉल फास्ट, बट अब तू सेंसिबल हो गया, अब तेरे को पता है तुझे क्या करना है, तूने बराबर तू नेट में डालता है, तेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम तू मोहाली आया था और मैं तुझे बैटिंग करने आया था, हालांकि मैंने इस मैच में 190 रन बनाए, बट ये तरीका था बहुत चीज लाने का, वेरी हम्बल। लेकिन द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ यू इन मोहाली, आई न्यू दैट यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट। वो चार सेकंड बॉल से 4 या 5 ओवर का स्पेल डाला था तूने, और वो बड़ा ही स्लो विकेट था, और उसपे तूने, आई रिमेम्बर के मैं 9 सेकंड रन पे खड़ा था और मनदीप की लेग साइड से एक बॉल गया, पार्थिव के ग्लव में लगा बॉल, और उसका हाथ बंद होने से पहले है, वो तो है भी वैसे भी निकम्मा विकेट कीपर। बॉल ये मैंने नहीं बोला, मैं गुजरात में खेलता हूँ तो मैंने नहीं बोला, ये यूवी पा ने बोला। गोल कीपर कहते हैं पता ना तुझे पार्थिव को, हम तो हम बहुत लोगों को गोल कीपर कहते हैं, बट वो हम हमारी वाले को, ये जनरेशन को कहते हैं। एनीवेज उसके ग्लव में लगा और बॉल दो टप्पों में आई थिंक लाइन पे लगा, तो आई थिंक बोल्ड एक्सेप्शनली क्विक ऑन दैट विकेट। LBW डिसीजन दो बारी, मैं उस पे आ रहा था, वो आउट थे नहीं मेरे हिसाब से, तो आई थिंक तुझे उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करना। मैं उसी पे आ रहा था कि उस पे यूवी पा आपने बैटिंग तो बहुत अच्छी की आप तब, पर जो ये इंडियन अंपायर थे हमारे, आप दो बॉल पे, आर यू सेइंग इंडियन अंपायर्स आर नॉट गुड ऑन, आई एम नॉट सेइंग दैट इन दैट गेम, यू आर सेइंग दैट, आई एम सेइंग इन दैट गेम दे आर वाचिंग यू, बीसीसीआई आर वाचिंग यू, वेरी गुड, दे शुड वॉच, आई एम सेइंग इन दैट गेम मे बी शायद आपका फैन रहा होगा वो अंपायर, और मेरा फैन तो, मैं तो तभी इंडिया भी नहीं खेला था, तो बहुत sure. आपने भी, आपको भी पता था कि वो दो बॉल में बैक टू बैक अपील हुई थी, एंड अब मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लम था, पर ठीक है, going down. Anyways, but ठीक है, coming to that, I felt के वहां से मेरे को लगा था कि ये लड़का स्पेशल है और ये इंडिया के लिए खेलेगा, और आई रिमेम्बर शुरू में थोड़ा तू बोलता होता था कि मुझे टेस्ट में मौका नहीं मिलता, एंड आई टोल्ड यू दैट एक बार टेस्ट क्रिकेट तूने खेलना चालू किया तो यू विल बी अ सीरियस बॉलर फॉर इंडिया, सो आई एम ग्लैड यू शोड बिट ऑफ पेशेंस टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। तेरा जो एक्शन है, ठीक है, आपका बीच में आवाज कट गया था, तो आप रिपीट अभी ठीक कर है? सकते हाँ, अभी ठीक। मैं कह रहा हूँ तेरा जो एक्शन है, ये जो एक्शन है, इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट, इट्स ऑलवेज बीन एज नेचुरल के तूने अपने एक्शन पे वर्क किया, या इट वाज ऑलवेज लाइक दैट? मैंने कोई ऐसे खास कोचिंग कभी की नहीं, तो मैंने जितना क्रिकेट सीखा है वो टीवी में देख देख के, तो मैं टेनिस बॉल में जो बंदा 5 विकेट लेता था उसकी एक्शन करने की कोशिश करता था, फिर पता नहीं ये एक्शन कब डेवलप हो गया। मैं अंडर 19 तक मेरी एक साल तो उसका दूसरा टाइप का थोड़ा एक्शन था, बट फिर मैं कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता था, तो उसके बाद ये एक्शन जब एक बार डेवलप हो गया तो फिर किसी ने मुझे चेंज करने नहीं दिया, और फिर
इसी पे मैंने वर्क करते रहा। काफी लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि तू 6 महीना खेलेगा, 10 दिन खेलेगा, 15 दिन, ऐसे सब भी बोला कि ये तो नहीं खेल पाएगा। डिस्करेजमेंट बेसिकली के बहुत ज्यादा, नहीं खेल सकता। हाँ, ये एक्शन से तो बिल्कुल नहीं खेल सकता। हम एनसीए में भी आए थे तो उस टाइम में भी वहां भी ऐसा ही था कि द लास्ट पर्सन टू प्ले फॉर द कंट्री विल बी मी, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये एक्शन से तो कैसे खेलेगा ये। ये रणजी ट्रॉफी में भी मैं भी एक मैच, एक दो मैच खेले, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर द बॉडी, ऐसा उनको लगा। करते रह गया और इम्प्रूव करते गया, तो बस ये एक्शन फिर कंटिन्यू हो गई तब से। और मैंने कोई 3 या 3 साल पहले प्रेडिक्ट किया था जैसे कि तू वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर बनेगा, और तूने कहा क्या युगीपा आप कुछ भी बोलते हो, इट्स टू अर्ली, ये वो। मेरी बीवी भी आ गई क्या बात कर रहा जैसी से। एनीवेज, तो आज तेरी ओडीआई में T20 में आई थिंक तेरी रैंकिंग 1 या 2 या 2 या 1 है, सो तू वर्ल्ड का शॉर्टर फॉर्मेट में नंबर वन फास्ट बॉलर है। अब तू वर्ल्ड में टेस्ट का नंबर वन बॉलर कब बनेगा ये बता सबको। अगर मेरा बस चले तो मैं तो अभी डाल दूं कंप्यूटर में कि मेरा नंबर पर ऐसे नहीं होता है ना। टेस्ट फॉर्मेट मेरे को, आपको पता है, मैं आप पहले जब वनडे T20 2 साल खेल रहा था तभी भी मैं आपको बोल रहा था कि मुझे टेस्ट टेस्ट खेलना है, टेस्ट खेलना है। आप बोल रहे थे मेरे को कि यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट सून, तो मेरे लिए वनडे T20 क्रिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेस्ट का क्योंकि मैं ज्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि एक एक विकेट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सेटिस्फाइंग है, तो वो मुझे इसके लिए मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उसको, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टेस्ट मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अभी इंडिया में नहीं खेला हूं, बट मैं वेट कर रहा हूं कि मैं जैसे ज्यादा ज्यादा मैच खेलते जाऊं तो मुझे